मिला है, रंग संवाद मिला है। तो आइए, रंग संवाद की श्रृंखला में हम आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्री दिलीप गुप्ता जी हैं, जो जाने माने युवा रंगकर्मी हैं। आज शाम आप इनका नाटक नेटवा देखेंगे, जो लौंडा कल्चर पर आधारित है। बिहार की ये परंपरा, जहाँ पर लौंडा नाच को एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है, एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जाता है, उसी परंपरा को आज मंच पर जीवंत करेंगे स्वयं दिलीप गुप्ता और इनके साथी उर्फ चॉकलेट फ्रेंड्स। इनका एक बहुचर्चित नाटक है, जो जिसकी चर्चा हम अभी आपसे कर रहे थे। और इसी तरह से ढेर सारे नाटकों का निर्देशन, लेखन और अभिनय आप करते रहे हैं। श्री राम रंग मंडल जो है, उसकी रेपर्टरी में भी आप रहे हैं, और हम आज मंच पर आपको यहाँ पाकर गौरवान्वित हैं। लोक नाट्य की परंपरा की अगर बात की जाए, तो जयपुर का एक नाम हमारे सामने बहुत प्रतिष्ठित रूप में आता है। और ये नाम लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे दीपक जी हैं, नाम इनका दीपक है, और किसी सूरत से कम नहीं है। तो दीपक जी की खासियत ये है कि इनकी कृपा जब बरसती है ना, तो सबको कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। दो दिन पहले हमने चाहा तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्टेज पर मौजूद थे। आज हम बात कर रहे हैं लोक नाट्य की, लोक परंपराओं की, तो हमारे साथ साक्षात ईश्वर मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि ईश्वर दत्त माथुर जी को भी मंच पर बुला लें। आज कृपा अनन्य बरसेगी। आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय रंगम बोलेंगे, तो आप पे भी कृपा बरसेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयपुर की लोक नाट्य परंपरा के प्रसिद्ध हस्ताक्षर श्री ईश्वर दत्त जी माथुर को। बहुत लोक कथाओं के अगर हम अनुसार चलें, और लोक कथाओं की जब हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में बहुत सा वर्णन मिलता है अर्धनारीश्वर का, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है, धरत ध्यान सुर सुख राशि। महादेव जब कैलाश पर साधना कर रहे थे, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था भृंगी ऋषि, जिन्हें भृंग ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। वे महादेव के अनन्य भक्त थे, इतने अनन्य भक्त कि वे पार्वती के स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते थे। इतने आसक्त कि महादेव के सिवा उन्हें दुनिया में कुछ भी दिखाई न देता था। वे आराधना करने के लिए कैलाश जा पहुँचे, और उन्होंने ठाना कि मुझे महादेव की परिक्रमा करनी है, लेकिन माँ पार्वती साथ में बैठी है। वे प्रण से बंधे हुए हैं, ऋषि भृंग, कि महादेव के सिवा किसी की आराधना नहीं करूँगा, महादेव के सिवा किसी की पूजा नहीं करूँगा, अब ये पार्वती का क्या करूँ। वे पार्वती को स्वीकार नहीं करते हैं, और वे परिक्रमा करने की ठानते हैं कि मैं किसी भी तरह से करूँगा, लेकिन महादेव की परिक्रमा करूँगा। और वे पार्वती इस भाव को समझ गई, पार्वती और महादेव के करीब जाके बैठ गई। तो ऋषि भृंग ने सांप का रूप धारण किया, और वे उन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, और पार्वती और ज़्यादा सट जाती है। तो ऋषि भृंग चूहे का रूप धारण करके उन दोनों के शरीर को अलग करने की कोशिश करते हैं, और माँ पार्वती यहाँ नाराज़ होती हैं और उन्हें श्राप देती है कि जाओ, तुम्हें जो माँ से अंश मिला है वो नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ तंत्र साधना की बात है कि तंत्र के अनुसार शरीर में हड्डियाँ और शरीर बनता है वो पिता की देन होता है, और खून और मज्जा जो है, मांस है, वो माँ की देन होता है। तो माँ की देन ऋषि भृंग के शरीर से निकल जाती है, और वे वहीं गिर जाते हैं, और वे इस भाव को समझते हैं कि शिव और पार्वती अलग नहीं है, और वे माँ पार्वती से क्षमा मांगते हैं, और माँ पार्वती उन्हें क्षमा करती है। लेकिन वे आत्मग्लानी के बोध से कहते हैं कि नहीं, मुझे इस श्राप में रहने दीजिए, जब तक मैं इस श्राप में रहूँगा तब तक मैं इस भाव को समझ पाऊँगा, मुझे इस अपराध बोध में जीने दीजिए। और तब महादेव कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, पार्वती भी तो मेरा ही अंश है, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही शिव हूँ। यहीं आकर अर्धनारीश्वर का ये भाव जागता है, और हम सब में जो ये अर्धनारीश्वर है उसे आप मंच पर आज देखेंगे। ईश्वर जी हमारे साथ हैं, और इसके साथ हमारे साथ जो हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें, मतलब दीपक जी भी साथ में तर्कश में इतने तीर लेके चलते हैं। हमारे साथ आज त्रिपुरारी शर्मा जी को होना था, लेकिन उनका कल अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से वह हमारे साथ नहीं आ पाई हैं। तो जयपुर का एक जाना पहचाना चेहरा ऐसा है कि जिसमें लास्ट मिनट में अगर किसी में, किसी नाटक में अगर किसी कलाकार की तबीयत भी खराब हो जाए ना, तो वह तुरंत एक नंबर डायल करते हैं, या नरेंद्र अरोड़ा जी को बुला लो।
तो हमारे यहाँ भी आज नरेंद्र अरोड़ा जी के लिए इमरजेंसी वाली सीट खाली है। हम आमंत्रित कर रहे हैं जयपुर के जाने माने रंगकर्मी, निर्देशक और जयरंगम के अभिन्न हिस्सा रहे हैं श्री नरेंद्र अरोड़ा जी को मैं मंच पर बुला रहा हूँ। और जब ये तीन इतने महारथी हैं तो इनका सारथी भी कोई ठीक ठाक ही होना चाहिए। तो अमितेश को हम मंच पर बुला रहे हैं जो प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, लेखक हैं, युवा रंगकर्मी हैं और साहित्य में अपनी अच्छी दखल रखते हैं। अभी बहुत सारे नाटकों का जिक्र आप हम अभी चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे नाटकों का आप जिक्र कर रहे थे कि ये वो नाटक हैं जिन्हें आमतौर पर नहीं किया जाता है। नेटवा उसमें से एक है और देश भर में ये नाटक इन दिनों चर्चा में है। आप देख रहे हैं कि ईश्वर जी के अलावा बाकी सभी हम लोग युवा हैं आज इस मंच पर, क्योंकि ईश्वर जी तो चिर युवा है। हम इनके पद चिन्हों पर चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ईश्वर जी के जैसे बने, ईश्वर जैसे तो नहीं पर ईश्वर जी जैसे जरूर बन जाए। तो मैं मंच सौंप रहा हूं अमितेश को और आगे की चर्चा अमितेश करेंगे लोक नाटकों में पुरुषों द्वारा महिला पात्रों का अभिनय। और आप मुझे हेमंत आचार्य को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी। और मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं हम लोग इतनी जगह जाते हैं, इतने कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन ये जो परिचय का सत्र होता है वो हर जगह इतना बोरिंग होता है कि आप ऊब जाते हैं उससे। लेकिन यहाँ का परिचय का सत्र इतना इस अंदाज में था कि लग रहा था कि ये परिचय का सत्र ही चलता रहे। और हम लोग पे जिम्मेदारी इतनी लाद दी गई है, पता नहीं उस पर खड़े उतर पाएंगे नहीं, लेकिन अच्छा किया कि मुझे सारथी की भूमिका में बैठा दिया, तो मुझे तो आगे आगे चलना है, पीछे ये वक्ता संभालेंगे बात को। और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि हमने लोक नाटकों पे एक सत्र रखा जहाँ पे आधुनिक रंगमंच की तरह का एक सेटअप बनाया गया है और आधुनिक लगभग मॉडर्न ड्रामा अधिक होते हैं और लोक नाटक कम होता है, उसके बीच हमने लोक नाटक पे एक सत्र रखा। और हम जानते हैं कि थोड़ा सा परिचय दे के फिर मैं उस तरफ आपकी तरफ आऊँगा कि संस्कृत नाटकों का जब एक तरह से अवसान हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं संस्कृत नाटक, तो पूरे भारत भर में लोक नाटक शुरू होते हैं। और इसमें दो तरह की परंपराएं हैं, एक जिसको हम लौकिक कहते हैं जिसमें और दूसरे को धार्मिक कहते हैं। धार्मिक कहानियों में रामायण और महाभारत और कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियां मंचित की जाती हैं, जैसे रामलीला, रासलीला। साउथ में जाएंगे तो यक्षगान होता है, थेरुकुट्टू होता है। और दूसरी तरह की कहानियाँ होती हैं जो लोक की होती हैं, जो उनकी अपनी कहानियों से निकली होती हैं, जिनमें आप राजस्थान की बात करें तो तमाशा है, ख्याल है, फिर महाराष्ट्र में लावणी तमाशा होता है, बिहार में जाएं तो नाच है, यूपी में नौटंकी होता है, हरियाणा में स्वांग होता है। इस तरह की पूरी परंपरा मौजूद है। इन सारी परंपराओं में बहुत सारी समानताएँ हैं और जो एक बड़ी समानता है वो ये है कि इन सारे नाटकों में कमोबेश पुरुष ही स्त्री की भूमिका किया करते हैं। जबकि हम शोध जब करते हैं तो पाते हैं कि संस्कृत नाटकों में ऐसा नहीं था, संस्कृत नाटकों में स्त्रियां थी, वो अभिनय करती थी, लेकिन अचानक से जब ये शिफ्ट होता है तो पुरुष स्त्री की भूमिका निभाने लगते हैं। तो कोई ना कोई सामाजिक कारण होगा, तो हम उस सामाजिक कारणों पर बात करेंगे। दूसरा, जो अर्धनारीश्वर की बात हेमंत जी ने कही कि अर्धनारीश्वर, कि हम अपने भीतर स्त्री और पुरुष को एक साथ लिए रहते हैं, तो क्या जब मंच पर उसको निभाते हैं तो वो एक साथ निभाते हैं या हम उसमें कुछ शिफ्ट करते हैं कि हम स्त्री निभाते हुए स्त्री होते हैं और फिर उससे निकल के बाहर पुरुष हो जाते हैं, या हम कला में स्त्री होते हैं और समाज में हम पुरुष हो जाते हैं, और फिर जब हम इस तरह की भूमिका निभाते हैं तो समाज हमको कैसे लेता है, क्या समाज में हमारा स्थान, एक हम जानते हैं कि पूरे हिंदी प्रदेश में कलाकार का स्थान कभी उतना सम्मानजनक नहीं रहा, खासकर नाटक करने वालों का। खैर, हम अपने प्रदेश के अनुभव से बना सकते हैं कि अभी भी नाटक करने वालों को नचनिया कहा जाता है, नचनिया बहुत हे टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो और स्त्रियों की भूमिका भी कुछ उसी तरह की है कि उनको हम बहुत सम्मानजनक स्थान अभी भी नहीं दे पाए हैं। उसमें जब पुरुष स्त्री की भूमिका करता है तो उसकी भूमिका समाज में क्या होती है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। और पहले आप लोग अपना अपना वक्तव्य दें और फिर हम उससे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दिलीप भाई से शुरू करते हैं। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और वाकई अमितेश ने जो बातें रखी हैं, कि सबसे पहली बात, जब मैं इस नाटक को ही कर रहा था तो उस दौरान
जो बात थी कि संस्कृत नाटकों में महिला की भूमिका महिलाएं ही करती थी, फिर बाद में पुरुष ही क्यों करने लगे, फिर मुझे थोड़ा सा, मैं अपने जो नेटवर नाटक की परंपरा के पीछे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे एक जो मानसिकता है, जो नेटवा नाच या जिसको हम बिहार में लौंडा नाच के नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक सामंती मानसिकता द्वारा पैदा भी की गई और ख़त्म भी हुई। एक इस तरह का नाच हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्री की भूमिका को ही संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि समाज की सबसे बड़ी एक मतलब वो निर्णय था जिसकी वजह से महिलाएं बाहर कर दी गई। और फिर धीरे धीरे एक और मुझे लगता है कि जो लोक में, जब नाटक लोक में जाता है तो हमेशा हम देखते हैं कि चाहे भारत की किसी भी क्षेत्र में जो नाटक होते हैं वो बहुत ही रात रात पर खेले जाने वाले नाटक होते हैं। उसमें हम बात करते हैं क्षमता की तो लगातार बड़ी ऑडियंस को दिखाने के लिए रात भर परफॉर्म करना है तो इसलिए महिलाओं को निकालना, फिर धीरे धीरे जब बात आती है हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से, जैसे आपने बात कही कि पुरुष की भूमिका निभाने वाला कलाकार, उसकी स्थिति क्या होती है समाज में, तो ये वाकई मैं बहुत पीछे की बात नहीं बता रहा हूँ, अभी इस नाटक के प्रोसेस का एक अनुभव बता रहा हूँ कि अभी हम दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी नगर है, बहुत ही मतलब आप सेंटर इलाका है, वहाँ हम रिहर्सल कर रहे थे। हमने एक मित्र को बुलाया था रिहर्सल देखने के लिए, उनको एड्रेस दिया था और हमारे नाटक में फोक सॉन्ग्स हैं उस तरह के, तो आवाज़ बाहर जा रही थी, वो उन्होंने एड्रेस पूछते पूछते किसी से पूछा कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पे है, तो उस बंदे ने कहा कि अच्छा नाच पार्टी वाले जो नाच करते हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो बोला कि हाँ हाँ ये बगल में ही तो करते हैं। तो जब दिल्ली जैसे शहर में आप मतलब एक नाटक करने वाले हैं जहाँ पे आप जैसी फोक का एलिमेंट सुनते हैं लोग तुरंत आपको नाच करने वाले और जो नचनिया वाला टर्म है वो तुरंत वो कलाकार भी नहीं मानते आपको, वो सीधे नचनिया मान देते हैं, सीधे आप हाशिए पर चले जाते हैं। और इस तरह से समाज में भी, और स्त्री जो यौन कुंठा है समाज में वो, और जो सामंतवाद है वो यहीं से मुझे लगता है कि वो रेगुलेट करना शुरू कर देता है कि किस तरह से जिस पुरुष को हम महिला के रूप में देखते हैं फिर उसको अलग अलग तरह से प्रताड़ित करना, फिर एक जातीय फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि बिहार में खास तौर से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के अनुभव को ज़्यादा बेहतर तरीके से शेयर कर पाऊँगा, तो उसमें क्या है कि छोटी जाति के लोग ही ये लौंडा नाच या नेटुआ नाच करते रहे हैं, क्योंकि उनको एक हमेशा अपनी उंगली पे नचाने के लिए, अपने फायदे के लिए कि हम इंटरटेन भी करें और भी जो कुछ हो सकता है हम इनके बहाने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहें, तो इस तरह से वो बना और धीरे धीरे भिखारी ठाकुर आते हैं और उसको एक सामाजिक सरोकार में बदलते हैं जिसको लेकर बहुत भारी विरोध झेलना पड़ता है उनको, और यहाँ तक कि गांव से निकाला दे देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे मीडिया भी आता है और तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे वो नाच की परंपरा ख़त्म हो जाती है। जो आज के नाटक में भी लगभग ये सब बातें देखने को मिलेंगी। ईश्वर सर हमारे साथ हैं, मैं उनसे उनके अनुभव जानना चाहता हूँ, इतने लंबे अरसे से उन्होंने लोक नाट्यों को देखा है और उनमें स्त्रियों की भूमिका करते हुए पुरुषों को देखा है, तो आपका अनुभव क्या है सर? सबसे पहले तो मैं जयरंगम को धन्यवाद दूंगा कि मुझ नाचीज को यहाँ आमंत्रित किया। मित्रों, अभी हेमंत ने अर्धनारीश्वर की बात की, तो ये सही है कि एक इंसान में स्त्री है पुरुष है, और ये एक प्रभु की या प्रकृति की देन है कि आदमी जो कुछ नहीं होता वो बनना चाहता है, जो नहीं होता है वो बनना चाहता है। कभी कभी आपके मन में आता होगा कि मैं भी कुछ ये स्वांग करूं, और ये जो हमारे तीज त्यौहार ऐसे अवसर दिए वो इसीलिए दिए गए, मैं राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से बात करूंगा, ये वो अवसर है जब आदमी अपनी अंदर की
जो उसे बहुत दिनों से सपने पाले हुए हैं, जिनको आप कुंठाएं कह सकते हैं, जिनको कुछ भी कहें आप, वो उनको उतारता है अपने जीवन में और समाज के सामने प्रदर्शित करता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये भी एक चीज़ हूँ। इसको आप स्वीकार करें ना करें, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इसका भी मतलब ये भी मेरा एक स्वरूप हो सकता है। दूसरा बात, जहाँ तक स्त्री पात्रों को जब पुरुष करता है तो शायद पहले ऐसा नहीं रहा होगा। हम पुराने अपने शास्त्र देखें, नाट्य शास्त्र में भी उल्लेख मिलता है, संस्कृत नाटकों में तो भरपूर उल्लेख है कि महिलाएं पात्र करती थी। लेकिन मैं भारतीय संदर्भ में अगर बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि जब विदेशी आक्रमण हुआ, क्योंकि भारतीय जनमानस पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक सूत्र में गुथा हुआ है, भले ही भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, पहनावा अलग हो, परंपराएं अलग हो, लेकिन उनकी जड़ एक है, मैं ऐसा मानता हूं। जब विदेशी आक्रमण हुआ होगा, मैं और थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, इस्लाम का जब प्रवेश हो गया, तो शायद समाज को ये लगा होगा कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, महफिल सजने लगी, महफिल से कैसे दूर किया जाए, लोकानुरंजन के साधन तो बढ़ते रहे, क्योंकि लोग अपना संसार खुद रचता है, मनोरंजन के साधन खुद बनाता है, उसे स्वीकार भी करता है। तो शायद वो एक ऐसा वक्त रहा होगा जब महिलाएं इस लोकानुरंजन से थोड़ा दूर हुई होंगी, पर्दा नशीन बनाया होगा, घर के चार दीवारी में उनको डाला होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पुरुष स्वभाव से शंकालु है, अविश्वासी है, और स्त्री को अपनी निधि समझता है। ये तब भी था, ये आज भी है, जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। और उसने कभी नहीं ये चाहा होगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीबी सबके सामने कुछ अभिनय करे, डांस करे। शायद आपको ये बात गले नहीं उतरती होगी, लेकिन ये मेरा अपना एक सोच है और ये किसी हद तक बहुत सही भी है। उसने कहा नहीं, तुम तो दूर सामने पेड़ के नीचे कुर्सी को देखो, आज मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर मैं डांस करूंगा, मैं नाचूंगा। राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी लोक नाट्य शैलियां हैं, मैं उनकी अगर आपसे चर्चा करूं, गौरी, रम्मत, भवाई, ख्याल, घेर, किसी भी परंपरा में चले जाइए, पुरुष बखूबी अभिनय करते रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे यहाँ ख्याल ख्याल की परंपरा बहुत समृद्ध रही, कुचामणी ख्याल, लच्छी राम जी उसके प्रणेता रहे, और जब हम चिड़ावी ख्याल की बात करें तो नैनू राणा उसके प्रणेता रहे। जब मैंने उनको तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उगम राज जी के बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, और उगम राज जी स्त्री का वेश भर के और वो सब किया करते थे। मैं सोचता हूँ एक कुशल नृत्यांगना शायद वो सब इतना बढ़िया डांस नहीं करती थी या इतना अच्छा नहीं गाती थी। क्या उनका गायन था और क्या उनका अभिनय था, और जब वो स्त्री का वेश भर के स्टेज पर खड़े होते थे, लगता था कोई ठुकरानी खड़ी हो गई। सच के ओरिजिनल गहने पहन के वो खड़े होते थे। उनका एक बड़ा किस्सा मशहूर है, या LMB सेठ के यहाँ का बड़ा किस्सा मशहूर है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। घर में झगड़ा हो गया उनको इस बात को लेकर, और फिर वो उगम राज जी को एक दिन घर पर लंच पर ले गए और उन्होंने अपनी वाइफ से परिचय कराया कि जिस कि तुम कहती हो कि मैं जिस महिला पर फिदा हूँ वो आज मेरे घर खाना खाने आ रही है, और उन्होंने इस चीज़ को खैर किसी तरह से किया। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो समय था, लेकिन समाज ने उसको स्वीकारा, क्योंकि समाज भी उन्हीं विश्वासों का था, समाज भी उन्हीं मान्यताओं को मानता था, समाज भी उन्हीं परंपराओं को मानता था। लोक नाट्य अपने आप में एक समृद्ध परंपराएं रही है, आज भी है। हम जब मॉडर्न थिएटर करते हैं तो लोक नाट्य को सहारा सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इसमें हम कुछ चमत्कार कर दें। बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैं देखता हूँ कि अरे ये तो मैंने एक ख्याल का पुट डाला है, पढ़ मैंने इसलिए इस्तेमाल की कि लोग चमत्कृत हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि जो लोग स्त्री पात्रों का निर्वाह करते हैं उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, ये बहुत विडम्बना है हमारे देश की। जो राज्य थोड़े से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं वहाँ तो फिर कलाकार की कदर होती है। मैं महाराष्ट्र की कह सकता हूँ, बंगाल की कह सकता हूँ,
साउथ में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी भी कलाकार को एक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। मैं और की बात नहीं करता, मैं अपने घर में भी आज मैं कहूँ कि ये काम मैं कर दूंगा तो मेरे पिताजी मना करे, या इसको छोड़ो ये तो जाने कहाँ गाने वाने चल जाएगा, इसको छोड़ो, वो ऐसे फट एक भी मना कर देते थे, अरे इसके भरोसे रहोगे तो भूखे ही मरोगे। पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि कलाकार समाज का वो अंग, संवेदनशील अंग है जो समाज की को बहुत सूक्ष्मता से ग्रहण करता है और उसकी अच्छाइयों बुराइयों को सबके सामने दिखाता है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में इतने चिंतित नहीं है। ये एक बड़ी कुंठा है मेरे मन में, दुख भी होता है इस बात का। लेकिन थोड़ा हम पीछे जाएं तो पाएंगे कि उस समय में कलाकार की कदर होती थी, समाज उसकी कदर करता था, बड़े से बड़े गवैये को, घरानेदार लोगों को समाज प्रशय करता था, क्योंकि वो समाज की निधि होते थे और उस निधि का महत्व भी तत्कालीन राजा महाराजा सामंत जो भी या समाज उसके महत्व को समझता था, तो तब उनकी कदर भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपने भौतिकवादी आपाधापी में उलझते चले गए और लोग उससे कटते चले गए, तो उसका कारण है शायद आज समाज को वो मान्यता नहीं मिली। मुझे याद है अपना उत्सव बम्बई में जब दूसरा हुआ तो डाया भाई एक गुजरात का कलाकार था जो रावण हत्ता बजाया करता था, बहुत मीठा गाता था, एक आंख से थोड़ा बाजार बंद था। वो कहता था कि सरपंच ने मुझे जो जमीन दी है वो नाले के पास दी है, गांव के आखिरी छोर पर, बदबू आती है मेरे, मैं अब सोच नहीं सकता जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ। और जब मैं अपना उत्सव में भाग लेके आ, दो तीन बार टीवी पे दिख गया, और जब मैं गांव गया तो वही सरपंच माला लेके मेरे स्वागत में आया। मैं ये बात इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि कलाकार या कला कर्म या कला विधाओं की चेतना या उनका नोटिस तब किया जाता है जब शासन प्रशासन कहीं गले में फंस जाता है, तब कलाकार याद आते हैं, वरना कलाकार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। कला बिचौलियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कलाकार की कोई सुध ना सरकार लेती है ना कोई। और आज जो लोक कलाकारों की स्थिति है उसके आप सोच रहे हैं, उन लोक कला लोक नाट्य शैली को बिगाड़ने में सरकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है। आपने उनको एड्स के प्रोग्राम दे दिए, आपने उनको रक्तदान के दे दिए, और देते क्या हैं, 150 रुपया 250 रुपया पर शो, 6 शो करेंगे, आप सोचिए 8 जने उनको क्या मिला, उनके भी घर परिवार है, आटा उनको भी चाहिए, उनको भी सेल फोन चाहिए, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, ये कौन सोचेगा। ये बहुत बुरी बुरी स्थिति है। लेकिन आज भी गांव में आप जाएं और उस कलाकार के बारे में पूछें कि भाई प्रकाश तुम किसके बेटे हो, कि जी मैं प्रकाश का हूँ, अरे वो जो ख्याल करते हैं, हाँ साहब मेरे पिताजी देखो डांस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, परिवार में उनके बल है और यही परिवार का बल उनको आज इस क्षेत्र में रखे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने को, आगे जारी रखेंगे। सर जैसा कि बताया गया कि आप अभिनय भी करते हैं, तो उस अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो दो तरह की बातें अभी तक सामने आई कि तो स्त्रियों को बाहर नहीं रखना था, और अगर आप नाटक करते तो पूर्वाभ्यास करते तो उसमें भी आपको घर के बाहर जाना पड़ता, दूसरा कि आपको रात रात भर रिहर्सल करने पड़ते, रात रात भर परफॉर्मेंस करना पड़ता, तो क्या शारीरिक क्षमता का जो मामला है कि पुरुष की शारीरिक क्षमता स्त्री की शारीरिक क्षमता से अधिक है, ऐसा माना जाता है, विज्ञान ये प्रमाणित कर चुका है कि अगर आप एक तरह से पालन पोषण करते हैं तो शारीरिक क्षमताओं में कोई बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है, लेकिन जो सामाजिक मान्यता थी इसका असर पड़ा और बहुत दिन तक अभी भी लोक नाटकों में स्त्रियों की जगह पुरुष ही ये भूमिका निभाते चले आए। देखिए अगर अपन इसको सिलसिलेवार देखें तो पता लगता है कि जहाँ अपन बात करें तो संस्कृत थिएटर की, तो संस्कृत थिएटर जिस जमाने में होता था तो वो उच्च वर्ग के लिए होता था बेसिकली, उसको आप मिनी एक प्रोसिनियम टाइप कह सकते हैं, मतलब ओपन में किसी गांव के चौपाल के ऊपर नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पर तो ये एक सीमित दायरे के अंदर महिलाएँ अपना महिलाओं का पात्र कर लिया करती थी। जैसे ये नाटक लोक में आया, गाँव में आया, तो जो वर्ग से जुड़ा वो पहली बात तो उच्च वर्ग नहीं था उस समय का, बीच का वर्ग था या कुछ निम्न वर्ग था जिन्होंने अपना एक साधन निकाला रोजगार का, और ये मंचन होना शुरू हुए। नो डाउट ये भी एक कारण रहा होगा कि पूरी रात रिहर्सल करनी है तो महिला के साथ होने पे एक सुरक्षा की भावना तो होती है, और उस वक़्त जब नाटक पूरी पूरी रात चला करते थे तो वो ऐसा काल था, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि
अपने अपनी ओपिनियन है कि उस काल में कुछ ऐसी भावनाएं समाज के अंदर आ गई थी कि पुरुष अपने आप को बहुत ज़्यादा महिलाओं के मुकाबले काबिल मानने लगा था। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि उस वक्त पुरुष लोग खाली महिला का रोल इसलिए नहीं करते थे कि महिला रोल करने के लिए उपलब्ध नहीं थी। पहली बात हमारे यहाँ कुरुतियाँ, हमारे यहाँ जितने भी अंधविश्वास हैं, हमारे यहाँ जो भी आडम्बर्स हैं, वो उनको आगे आने नहीं देते थे। अगर वो आगे आना भी चाहें तो उसका पुरुष का जो ईगो उसका इतना था, उसे लगता था कहीं अगर ये महिला अपात्र आ गई यहाँ पर काम करने के लिए, उसने अच्छा अभिनय कर दिया तो हम सारे पात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, एक ये भावना भी उस वक्त रहती थी। अब प्रोसिनियम थिएटर में आने के बाद फिर वापस बदलाव आया, क्योंकि जब तक हम लोक नाट्य कर रहे थे तब तक तो ये लगता था कि पुरुष का पात्र जो है वो महिला का पात्र पुरुष ही करती थी। प्रोसिनियम थिएटर में भी ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला जहाँ पुरुष ने महिलाओं के पात्र किए, लेकिन उसके पीछे कारण दूसरे भी रहे। एक तो एक महिला कलाकारों की कमी तो अपने आप में कारण थी ही, वो आज भी है, हमें अभी भी महसूस होती। जब से मैंने थिएटर किया, खैर हमने तो कभी किसी पुरुष से महिला पात्र कभी कभार एक आधा मजबूरी में कराया या किसी डिजाइन की वजह से कराया, जैसे कि हम चाहते हैं कि इस महिला पात्र के साथ में कुछ कॉमिक टच दे करके आएँ तो भी हम उसे पुरुष से महिला का पात्र कराते हैं। कई बार लगता है कि यार इसमें महिला पात्र के साथ कुछ लिबर्टी लेनी है, तो किसी महिला कलाकार के साथ वो लिबर्टी नहीं ली जा सकती, तो पुरुष को से वो महिला पात्र का अभिनय कराते हैं ताकि उसमें वो लिबर्टी ली जा सके और वो एक एंटरटेनमेंट का भाव पैदा करा जा सके जिसकी जनता डिमांड करती है। तो समय के साथ साथ देश काल वातावरण के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और बदलेंगी। वो एक समय था जिस वक्त कला को लेकर के बहुत अलग तरह की भावना थी, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, खाली एक्सप्रेशन का भी बदल गया है। आज भी नाटक को लेकर, नाटक के जो करने वाले उनके कलाकारों को उनके घर वाले जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है। अब इसके उलट देखिए कि जब सिनेमा या टीवी शुरू हुआ तो महिला पात्रों को लेकर के जो ट्रीटमेंट किया गया वो जब जाहिर है उसके बारे में तो अगर अपना सब्जेक्ट भी नहीं है अपन क्या बात करें, लेकिन एक बात इसमें हमेशा से समझ में आती रही है कि महिलाओं को दबा के रखना, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इस्लाम के आने के बाद में इस्लाम में अपने पर्दा प्रथा थी उसका भी समाज के ऊपर असर पड़ा कि महिलाओं को जब पर्दे में रखना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, तो एक संभावना जो बन रही थी महिलाओं का पात्र महिलाओं द्वारा करने की, वो संभावनाएँ आडम्बर ने कुरीति ने रोक दी। तो समय के साथ साथ सब चीज़ें बदली। आज तो ऐसा समय आ गया कि अब लोक नाट्य हालांकि आज भी करते हैं, वो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, वो आज भी लोग जो दल हैं हमारे उनके घर में महिलाएं हैं, वो उनको आज भी महिलाओं से रोल कराना नहीं चाहते, ये उनकी एक परंपरा बन गई है। या ये मानते हैं कि वो सोचते हैं इस परंपरा को तोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि लोक नाट्य खत्म हो गया तो इसको लोक नाट्य नहीं माना जाएगा, तो जो सरकार से उनको बुकिंग मिलती है टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे कारण, लेकिन अभी भी बदलाव आ रहा है, बहुत सारे लोक नाट्य दलों में भी अब महिलाएँ करने लगी हैं, पार्टिसिपेट करने लगी हैं। ये इस्लाम वाले पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप बात कहें मैं थोड़ी सी एक बात और जो मुझे अभी याद आ गई कहना चाहता हूँ कि जब स्त्री पात्रों को पुरुष करता है तो लोक नाट्यों में अब ये स्थिति आ गई है, यानी लोग इतना समाहित कर चुका है उन पात्रों को अपने मानस में कि अगर उसको स्त्री आज करे तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो वो हाथ से निकल गया। नहीं, हाथ से नहीं निकल गया, वो मानस में इतना बैठ गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जयपुर में हमारे तमाशा की परंपरा है और मैं उसका एक पार्ट रहा हूँ, मैंने उसमें बहन की और माँ की भूमिका निभाई है। और गुरुजी के टाइम में दो लड़कियों को तैयार किया, उमा गोस्वामी को और उनको, और जब उन्होंने परफॉर्मेंस की, क्योंकि जब लड़की परफॉर्मेंस करने आई तो उसने परफॉर्मेंस से ज़्यादा साड़ी पे, बिंदी पे, मेकअप पे इसके ध्यान दिया, गाना भूल गई, पर्चा ले आई, पर्चा भूल गई। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कर नहीं सकती, महिलाओं की अपनी सीमाएं हैं, उनकी अपनी परिधि है, और पुरुष जब महिला पात्र करता है आप सिर्फ आँख बंद करिए, आप में अदाएँ स्वतः ही आ जाएंगी। आप सिर्फ आँख बंद करिए। कई मित्र मेरे जो भवाई करते हैं, मैं कईयों से उनसे बात करता हूँ, हट बे राजू, अरे भाई क्या हो गया यार, सीधा सीधा खड़ा रहे, सीधी बात कर, लेकिन क्योंकि वो उसको अंगीकार कर लेते हैं, वो उनके बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट बन जाता है, तो जनमानस उसको स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात जो नरेंद्र ने बहुत अच्छी कही कि एक फैशन सा हो गया, मतलब लड़कियों को हम नहीं करते हैं केवल वो हास्य पैदा करने की दृष्टि से, या को तो एक नाटक मैंने किया नकल भी नकल चार्ली सांड का, और मैंने उसमें महिला बन गया, वो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा यार तुम्हारी बड़ी तारीफ हो रही, मैं बड़ा शर्म से महसूस करता था क्योंकि मूंछ कटानी पड़ी, मुँह करना पड़ा सब कुछ, पान वाले के वो जर्दा खाने ले गए तो उसने धीरे से उसको पूछा क्षमा महिलाएँ बैठी है, मैं लेकिन बोलूँगा
कि अजी सरीन साहब वो आजकल रांडी कोड़े से पकड़ ले आया यार मजोआ को। हिंदी में बताइए सर, हम लोग को समझ में नहीं आया कि सरीन साहब वो लड़की कहाँ से पकड़ के लाए, मज़ा आ गया देख के। तो मेरे को बड़ा गुस्सा सा भी आया और मैंने कहा कि सरीन साहब यहाँ पान खाने आए हो, मेरी ऐसी की तैसी कराने आए। उन्होंने कहा यार ये तो तुझे क्रेडिट दे रहा है, मैं कहा इसको मारूंगा मैं अगर ये कभी अकेले में मिल गया तो। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। सर दिलीप इस पर ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं दिलीप से पूछूं, मैं एक मतभेद आपसे जाहिर करना चाहता हूं कि माथुर जगदीश चंद्र माथुर भी ये बात कहते हैं कि इस्लाम के आने की वजह से महिलाएं घरों की तरफ गईं और फिर पुरुषों का ही परफॉर्मेंस पे वर्चस्व हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि उसी दरमियान तमाशा में जो महाराष्ट्र में होता है, लावणी करने के लिए स्त्री पात्रों का प्रवेश होता है, फिर अंग्रेजों के आने के बाद पारसी थिएटर में भी महिलाएं रोल करने के लिए आती हैं, नौटंकी में भी महिलाएं आती हैं, जो त्रिपुरारी जी अगर आती तो उन्होंने ये काम किया हुआ। रूप अरूप उनका एक नाटक है जिसमें वो बताती हैं कि पुरुष पात्र से जब स्त्री पात्र नौटंकी में आने लगती है, जब स्त्री स्त्री की भूमिकाएँ करने लगती हैं, तो जो पुरुष स्त्री की भूमिका कर रहा होता है वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब इस नौटंकी में मेरी भूमिका क्या होगी। तो वो और उस स्त्री को ट्रेन किसको करना है, इस पुरुष को ही ट्रेन करना है, यानी पुरुष को ट्रेन करना है स्त्री को कि वो स्त्री की भूमिका कैसे करेगी, और वो पुरुष करता है। ये नाटक है रूप अरूप, उसमें ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। त्रिपुरारी जी हमारे बीच अभी नहीं है, होती तो इस पर विस्तार से बताती कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे कलाओं में ये नहीं हो पाया और आज भी बिहार के अंदर बहुत सारी जो लोक कलाएं सिमट रही हैं उसका कारण ये है कि परफॉर्मेंस में महिलाएं अब आ रही हैं और जो ऑडियंस हैं उनको लग रहा है कि हमको एक महिला ही परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है तो हम एक भद्दे से पुरुष को परफॉर्मेंस करते हुए क्यों देखें। और दिलीप से जो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो महिला की इसमें एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन लोग उनसे वही सब कहलवाना चाहते हैं जो पुरुष पात्र कहता था, वो तो सर पैटर्न वही चला रहा है वही। हाँ तो दिलीप से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के जो सामंती माहौल में बहुत सारे पुरुष जो स्त्री की भूमिका निभाते थे उनका शोषण हुआ। मतलब शोषण जब हम कह रहे हैं तो ये शारीरिक टर्म्स में है कि उन को स्त्रियों की तरह पुरुषों ने इस्तेमाल करना चाहा, तो ये एक पीड़ा इस परंपरा से जुड़ी हुई जो बहुत सारे लोगों ने व्यक्त भी किया है, भिखारी ठाकुर के यहाँ भी व्यक्त किया गया है और बहुत सारे जो नाच के कलाकारों से हम लोग मिलते हैं वो करते हैं। तो एक तो आप इस पे फोकस करिए, दूसरा ये बताइए हमें कि जब आप एक ही नाटक में स्त्री और पुरुष की दोनों की भूमिका के बीच आवाजाही करते हैं तो वो प्रोसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं। देखिए दूसरे सवाल से ही हम शुरू करते हैं कि जैसा कि सर ने बताया कि वाकई यहाँ जेंडर का मामला है कि एक मेल फीमेल का कोई कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन वहाँ भी बात आती है कैरेक्टराइजेशन की। आप एज एन एक्टर आपको एक कैरेक्टर करना है जो फीमेल कैरेक्टर, तो वहाँ भी कैरेक्टराइजेशन का ही मामला होता है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि हम मतलब मेल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सोसाइटी में, और एक जो डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है वो अपने आप आदमी के अंदर आता है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, तो उसके आधार पे हमें क्योंकि जब औरत की भूमिका करनी होती है तो सबसे पहले मैंने मतलब मैं अपने प्रोसेस में फील किया कि सबसे पहले आपको अपने सेल्फ को सरेंडर करना पड़ेगा। बिना सरेंडर किए आप यदि हाव भाव ही कुछ ऐसे बना लें तो वो नहीं निकल के आ पाएगा बजाय कि आपके सेल्फ सरेंडर के, क्योंकि वो आत्म से ही शुरू होगा और आप को सरेंडर करते हैं तो वहीं से वो स्त्रीत्व तो पैदा होता है एक अभिनेता के लिए। तो यहाँ पर वो जो यात्रा है या जो प्रोसेस की आवाजाही है वो आंतरिक ज़्यादा होती है बजाय बाहरी होने के, और वो वाकई मतलब वो बड़ा ही एक्साइटिंग भी होता है और पीड़ादायक भी होता है एक अभिनेता के तौर पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अचानक आप कर रहे होते हैं आपका पुरुष हावी हो जाता है, आप स्त्री की भूमिका कर रहे होते हैं लेकिन अचानक पुरुष हावी हो जाता है और फिर वहाँ मामला बिगड़ने लगता है। तो बड़ी ही सावधानी से अपने इनर को देखना और इनर को मतलब अवेयर होकर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये है बात। और दूसरी जो बात है सोशल स्ट्रक्चर की, जिसमें शारीरिक शोषण की बात है, तो वाकई बिहार में ये है कि जो नेटुआ नाच या लौंडा नाच आया तो औरत की भूमिका में मुझे लगता है कि
बहुत ऐसे यूपी और बिहार में बहुत ऐसे फॉर्म हैं जो सेम डांस के स्टेप करते हैं लेकिन वो फीमेल कॉस्ट्यूम नहीं पहनते हैं, जैसे धोबी नाच या भरुआ नाच जो पूर्वी यूपी में होता है उसमें सिर्फ धोती या जो भी है पहन के, लेकिन वो बड़ा ही एनर्जेटिक डांस कर रहे होते हैं, लेकिन फीमेल के कॉस्ट्यूम में। और यहाँ तक देखें तो जो लौंडा नाच है, सबसे पहले बेसिकली वो नाच है, बाद में वो नाटक के फॉर्म में भिखारी ठाकुर के आने के बाद वो नाटक के फॉर्म में उसको लेकर आते हैं। भिखारी ठाकुर के पहले भी था, मतलब बहुत छुटपुट था उसको, एक मतलब जवाबदेही के तौर पे कि मतलब एक फॉर्म एक स्ट्रक्चर के रूप में लेकर टोटल परफॉर्मेंस में ढालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नाच स्त्री के रूप में, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पुरुष की जो मानसिकता है वो हम कह देते हैं कि सामंतवाद पहले था, वो नहीं, हम आज भी सामंती हैं, सोच से सामंती हैं कि हम नहीं एक कोड फिक्स करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक औरत के लिए एक स्त्री के लिए कोड फिक्स करते हैं, और लेकिन दूसरी जगह हम उस कोड से बाहर आकर अपनी कुंठा को शांत करने के लिए तमाम तरह के संसाधन जुटाते हैं। और उसी में मुझे लगता है कि लौंडा नाच जो स्त्री की वेशभूषा में, और मैंने देखा है कि जो लौंडा नाच नाचते हैं जो पुरुष नर्तक होते हैं उन, अब ऐसा नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस है तभी आप ड्रेस और मेकअप करके आप डांस कर रहे हैं, जीवन में भी वो हो चुके वो बिल्कुल। और वो जैसे मान लीजिए कि आपको आज शाम को डांस करना है यहाँ पे और आप आ रहे हैं बीकानेर से, तो बीकानेर से कल आप रात को चल रहे हैं, तो जो एक बंदा होता था जो उसका केयर टेकर होता था उसके साथ सारा उसका हिसाब किताब मतलब खर्च आए वही देखता था, और उसका काम होता था नाचना, और वो उसी स्त्री पुरुष जो है स्त्री की वेशभूषा में रहता था, और उसको तमाम तरह की धीरे धीरे उसको मानसिक तौर पे, क्योंकि छोटी जाति के लोग होते थे तो उनको मोल्ड करना मानसिक तौर पे और वैचारिक तौर पे कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं धीरे धीरे, और फिर वो अपनी उनका शांत करने की कोशिश करते थे। इसमें एक मैं चीज़ जोड़ूंगा, जाई ओझा का जिक्र आता है, बक्सर के रहने वाले मतलब हम, मुझे जितनी जानकारी फोक आर्टिस्ट का नाम ले रहे हैं वो डांसर रहे हैं बेसिकली, जो लौंडा नाच नेटुआ नाच हम बोलते हैं, और मुझे मेरी जो जानकारी में है वो पहले सवर्ण लौंडा नर्तक थे वो, और इसके लिए वो तमाम उनको सामाजिक कुलाहना बहिष्कार भी मिला। उसमें उनकी एक घटना का जिक्र आता है कि जब वो एक नाच पार्टी में जाते हैं और नाच पार्टी में नाचते नाचते उनके बदौलत वो नाच पार्टी बहुत प्रॉफिट में आ जाती है, तो जैसे प्रॉफिट में आ जाती है तो वो बोलते हैं कि भैया तुम तो प्रॉफिट में कम आ गए, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन मेरी मेहनत आना उतनी की उतनी ही है, जबकि मेरे बदौलत ही तुम कमा रहे हो, तो मुझे तो थोड़ी सी बढ़ा दो। तो उसने सीधा कहा कि भैया नाच पार्टी मेरी है, मैनेजर मैं हूँ, तुम्हें नाचना है तो नाचो नहीं तो जाओ। आप सोचिए इस लेवल पे कि आप हैं वही जितना हम आपको यूज़ करेंगे, तो वो एक ही नहीं छोटी छोटी शारीरिक लेवल पे तो है ही, आर्थिक लेवल पे भी, जातीय लेवल पे भी, हर लेवल पे उनका शोषण होता रहा। सर दिलीप ने मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ। दिलीप ने एक बात कही कि ये पुरुषों का कोड फिक्स किया गया है, यानी पुरुषों ने तय किया है कि स्त्री की भूमिका ऐसे होगी, यानी तमाशा की, जैसे सर ने भी कहा कि तमाशा की स्त्रियाँ इस तरह से नाटक करेंगी, इस तरह से गाएंगी, वो स्त्रियों ने नहीं तय किया है, वो पुरुषों का तय किया हुआ है। तो ये जो पुरुष देह स्त्री देह को परिभाषित कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर अपन पूरे समाज की मानसिकता को अगर अपन देखते हैं तो ये तो कहा ही जाता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, हर जगह पर पुरुष ने अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, वो कला में भी दिखती है। अब कला की बात करें तो जिस ज़माने में लोक नाटकों में पुरुष ने महिला पात्र करना शुरू किए तो उनके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे, किताब की महिलाओं को बाहर लाके नहीं करा जा सकता, या पर्दा प्रथा है उसे बाहर नहीं ला जा सकते, रात रात भर करना है, वो 50 कारण थे। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक मेरी जानकारी में पड़ता है, जितनी मैंने स्टडी करी है, कि उस वक्त स्त्री पात्र जो करता था पुरुष, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे, पुरुष पात्र के इतने ऑप्शन नहीं होते थे। बहुत सारे कलाकार स्त्री पात्र अभिनीत करना चाहते थे, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्री उचित कुछ ज़्यादा गुण होते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं ऐसा स्त्री उचित कुछ काम करूं। उसके अलावा अगर आप देखें तो पुराण से भी अगर आप चलें तो अर्ध नारीश्वर है वो, अर्ध पुरुषवर्थ नहीं है,
उसमें अर्ध नारीश्वर है, अर्ध पुरुषोर से नहीं है, तो वहाँ भी अगर आप देखो तो वहाँ नारी हावी थी, लेकिन यहाँ आते आते पुरुष हावी हो गए। तो ये तो समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं और आगे भी बदलेंगी। दूसरी बार कई बार ऐसा होता है कि जैसे पुरुष ये मानता है, यहाँ मैं इसको पुरुष की ईगो ही मानूंगा, कि मान लीजिए किसी पात्र में बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, तो ये मानते हैं कि साहब औरत तो कोमल अंगी होती है, इतनी एनर्जी दे नहीं पाएगी, रात रात रो डांस भी नहीं कर पाएगी, थक जाएगी, शरीर बेहोश ना हो जाए। तो एक वो भी कारण रहा होगा कि उन्होंने पुरुषों से स्त्रियों के पात्र करवाए, ये ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, रात रात भर परफॉर्म करना है तो पुरुषों से करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी बातें तो समाज की जो परिकल्पना है वहीं से निकल के आती है, समाज की जो सोच है वहीं से निकल के आती है। आज भी हम कुछ तय करते हैं कि अगर मेरे घर में मेरी बहन अगर जा रही है नाटक करने के लिए तो उसका कोड अलग है, नहीं 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 तुम नहीं जाएगी, तो जाएगी तो 8 बजे से पहले वापस आ जाएगी, मैं 11 बजे तक घूम रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को अपन बदल नहीं सकते। इसके पीछे कारण क्या है वो अलग चर्चा का विषय है, वो विषय से भटक जाएगा, लेकिन इस टेंडेंसी का हमेशा हर सेक्टर पर फर्क पड़ा है, पर्टिकुलरली कला पर तो पड़ा ही है और नाट्य कला पर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है कि नाट्य कला में पुरुष का आना ही अच्छा नहीं माना जाता तो स्त्रियों का आना तो कहाँ से अच्छा माना जाएगा। सर तो क्या ऐसा है कि जो इसलिए भी उन पुरुष कलाकारों को जो स्त्री की भूमिका निभाते थे इसलिए हे समझा जाता था या उनसे छूट ली जाती थी क्योंकि वो स्त्री की भूमिका करते थे? नेचुरली ये तो होता ही था। थर्ड जेंडर की बात जब अपन करते हैं तो वो उसका उसकी उपमाएँ दी जाती थी, उनको किन्नर समझा जाता था, उनको उनको मतलब महिलोचित वो अदाएँ करते थे तो उनको लगता था कि उनको छेड़ा जा सकता है, क्योंकि अंदर जो कुंठा है ना पुरुष के महिलाओं को छेड़ने की, वो महिलाओं पे तो कई बार नहीं निकाल पाते थे लेकिन उन पे निकाल लेते थे, क्योंकि उन पे निकालने पे कोई ऐसा लांछन नहीं लगेगा कि आपने महिला को छेड़ दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये तो अब ऐसे कलाकारों के जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि वो उसका स्टाइल ही वो बन गया। अब स्त्री वाला कलाकार अगर पुरुष लगातार करेगा तो उसकी चाल में भी नज़ाकत आ जाएगी, क्योंकि उस पात्र में घुस गए। वैसे देखा जाए तो पात्र होता है, कोई रोल तो रोल होता है। अगर मैं अब नरेंद्र अरोड़ा की जगह कोई और रोल कर रहा हूँ तो वो भी अलग रोल है, स्त्री भी अलग रोल है। तो ऐसे देखा जाए तो कला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कहीं भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, रोल तो रोल है। अब मैं अकबर का रोल कर रहा हूँ कि मैं जोधा भाई का रोल कर रहा हूँ, रोल तो रोल है। तो उसको वैसे देखें तो उसका आशय अलग निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ जो कोड बन गया, हमारे यहाँ जो एक सामाजिक सुरक्षा की भावना शुरू से रही है, वो खैर विदेशों में भी रही होगी, खैर उनकी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो इस बात की तो तय था कि साहब कि अगर ये लड़की है तो इसकी तो शर्तें ये हैं, तो जाएगी नहीं, जाएगी तो कपड़े ऐसे पहन के जाएगी। वो समय था जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो लड़की मिलती नहीं थी हमें, 50 शर्तें लगती थी भी कौन आएगा लेने, कैसे जाएगी, कितने बजे तक रिहर्सल करोगे, क्या नहीं करोगे, कौन लोग काम कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स पूरी इंक्वायरी करते थे। जो लगता था कि नहीं ये पारिवारिक माहौल है, यहाँ मेरी बेटी सुरक्षित है, तभी आना देते थे। नाटक चुनने पड़ते थे ऐसे, इसमें महिला पात्र बहुत कम हो, तो पूरा जो कला का लेखन का भी जो क्षेत्र था वो भटकने लगा कि ऐसा नाटक लिखो उसमें लड़कियाँ नहीं हो, महिला नहीं हो, तो नाटक का रूप भी बदलने लग गया, अनबैलेंस चीज़ें होने लगी। ये सारी चीज़ें तो को पूरा करने के लिए पुरुषों ने महिला के पात्र करने शुरू करें। आज क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया, आज अगर कि आपका डिज़ाइन में है कि पुरुष महिला पात्र करे इस पर तो आप कर सकते हो। इस मजबूरी से आप करोगे साहब कि लड़की मिल रही पुरुष इसलिए महिला पात्र करेंगे तो नाटक पसंद ही नहीं किया जाएगा। आपसे सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग क्या होता था कि एक उम्र के बाद जो ये पुरुष थे जो स्त्री की भूमिका निभाते थे उनको इस लायक नहीं माना जाता था कि वो स्त्री की भूमिका निभाएंगे, तो कई सारे नाटकों में नाटक लिखे गए इस बात पे कि बुढ़ाते हुए पुरुष जो स्त्री की भूमिका निभाते हैं वो इस बात के लिए कि चिंतित होते हैं कि वो क्या करेंगे, और फिर लगातार ऐसी नाच कंपनियां जो थी वो ऐसे लड़कों की खोज करती रहती थी जो लड़की तो दिखें। तो राजस्थान में किस तरह से है और ये एक उम्र के बाद इन पुरुष नर्तकों का जीवन कैसा होता था? राजस्थान में भी वैसा ही है जैसे आपके यहाँ होता है, क्योंकि कलाकार तो अपना कर्म करता है। मैं उगमराज जी के बारे में ही बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उनको बहुत निकटता से देखा है। उगमराज जी का जब बुढ़ापा आया, हालांकि मैं कहता हूँ कलाकार का बुढ़ापा आता नहीं, दिल से जवान रहता है, पर वो थे, शरीर तो फिर भी थक जाता जी, शरीर थक गया तो बहुत बेडोल सा शरीर हो गया था, पेट निकल आया था, सर पर बाल कुछ गिन सकते थे, और जो शाम को बहुत सुंदर स्त्री दिखती थी वो सुबह आप देख लो तो आप कहो कि दिन में ही भूत आ गया, कोई भाग जाए लोग, ऐसी स्थिति में थे। और पजामा पहनते थे ढीला ढाला, ऊपर से एक बंडी पहन ली या कुर्ता पहन लिया,
बटन खुले हुए, मतलब बहुत सी ऐसा लगता था कि कैसा विकृत सा व्यक्ति चला आ रहा है। लेकिन शाम को जब वो मुर्दा सिंगी की वो कर करा के और रूज रूज लगा के और फिटान फिट होके आते, तो आपको लगता है यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति, तो उनको मेरे ख्याल से ऐसे लोगों का कि मन स्थिति के बारे में कुछ जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने वो दौर देखा है जब लोग उसकी हर अदा पे मर मिटते थे, लोग पैसा फेंक दिया करते थे और वाह वाह करते थे। और जब उस दौर में जब वो आदमी आ जाता है, शायद टेर पूरी नहीं लगा पा रहा है, नाच ठीक से नहीं पा रहा है, उम्र भी थोड़ी सी थकियाने लग बढ़ाने लगी है, तो मैं सोचता हूँ कि उसका अंदाज़ा मैं बहुत नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इसमें कितनी कसमसाहट रही होगी इस कलाकार में, क्योंकि उसका कलाकार जीवित होता है। दूसरा प्रश्न आपका कि उनका ये सामाजिक जीवन कैसा रहता है? सामाजिक जीवन तो दूसरा प्रश्न था, ये लड़कों की जो खोज होती है। हाँ, ये मैं शेखावाटी की बात करूँ, हमारे यहाँ गींदड़ होता है। गींदड़ आप देखिए, इतना होली के अवसर पर डांडा रोपा नहीं और गींदड़ शुरू हो जाते हैं, डफ चलता है, घेर बहुत बुरी तरह से चलता है। उसमें छोटे से छोटे लड़के को जो थोड़ा भी छेल चिकनिया सा दिखा, थोड़ा खूबसूरत सा दिखा और दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बना पा रहा है अभी, तो उससे कहा यार तू नाचे हो यार मेरे, और उसको ज़रा कपड़े वपड़े पहना के, और फिर जो थोड़ा सा उसकी जो चलता उसका काम, तो वो कई साल, एक बार फिट हो गया तो वो समझो 10 साल का गया तो आगे चल गया। तो उस तरह की खोज बराबर जारी रहती है। लेकिन लोक नाट्यों में ऐसे पात्रों को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे उसका एक बड़ा रियाज होता है, बड़ी साधना होती है, उसको गाना पड़ता है, पूरे नाटक को याद करना होता है, उसमें वो खूबियाँ होनी चाहिए कि वो दर्शकों को कैसे संभाल लेगा। कई बार लोक नाट्य तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ केवल रटनती है, केवल कलाकार पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते, गांव के परिवेश से उनका वाकफियत होती है। तो ऐसे लोगों को खोज करना, ऐसे लोगों को तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे लोग अब मिलने बहुत मुश्किल है। जो मिल रहे हैं वो सिर्फ जीवन यापन का काम कर रहे हैं, लेकिन उस शैली को कोई तराशे वो थोड़ा मुश्किल लगता है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि राजस्थान से नैनू राणा की एक बड़ी परंपरा चिड़ावी आज ख़त्म हो गई, उसी के परिवार के लोग अब केवल कोई मांड गा रहा है, कोई लोकगीत गा रहा है, बाकी आज कोई चिड़ावी ख्याल करने वाले नहीं है। वही चिड़ावी ख्याल जो तख्ता तोड़ के नाम से मशहूर था, लोग तख्ता देने पर घबराते थे, यार ये तख्ते तोड़ देंगे यार इनको मत दो यार, आज वो शैली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कुचामणी ख्याल कहने को आज करीब 220-230 कलाकार आज इस क्षेत्र में हैं, लेकिन वो सब एड्स के काम कर रहे हैं, रक्तदान का काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं। लेकिन जब कभी उनसे कहो कि आओ भाई तुम जगदेव कंकाली करो या अमर सिंह राठौड़ करो या हरीश चंद्र तारामती करो लैला, तो वो गिनी चुनी अब उसकी खाना पूर्ति करते हैं। शुरू आए उन्होंने वंदना करी 2-4 बात कर, फिर मस्करा बीच में आ जाएगा, वो अपने कुछ लटक झटक करके आपको हंसाएगा, मुद्दे की बात 2-3 जो उनकी कॉपी में लिखी हुई है। एक ज़माना था, मेरे पास कुछ किताबें मौजूद हैं, छपती थी, लोग रखते थे, लोगों को याद था, सामने जो दर्शक बैठा है उसको भी पूरा ख्याल याद था, वो कहता था यार वो तो तूने गाया ही नहीं, अरे यार वो तो गाए यार, वो बागेश्वरी में वो कैसी बढ़िया चीज़ है, वो तो तूने गाई नहीं, लोग पकड़ लेते थे। अब ना वो लोग हैं ना वो करने वाले, ये चीज़ बहुत मिस करते हैं। और ये दुर्भाग्य है हमारा, हमने बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल दिए, प्रगति के नाम पर बहुत सारा कर दिया, लेकिन संस्कृति को बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो हमारी गति खराब हो गई और हो गई। आज की पीढ़ी तो बहुत महरूम है इन चीज़ों से, मेरी ऐसी पीढ़ी के लोग उगमराज का नाम जानते हैं लेकिन मेरा बेटा नहीं जानेगा, क्यों? कि हम अपनी जड़ से कट गए, हम अपनी परंपराओं से कट गए, हम अपनी, आप देखिए वो लोकनाट्य हमें अपनी परंपराओं का अवगत कराते थे, हमारी संस्कृति से अवगत कराते थे, हमारे रस्म व रिवाज से अवगत कराते थे, हमें अदब सिखाते थे, हमें आचरण सिखाते थे, क्या नहीं सिखा देते थे वो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, राम ने सीता के साथ क्या किया, अब कौन सिखाएगा? अब मुझे लगता है ये सही वक्त आ गया है जब हम इस पैनल को ऑडियंस के लिए खोल दें और
आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। हेलो, पहले तो मंचास इन लोगों को सभी को विशेषज्ञों को मेरा प्रणाम, और सभी बाहर बैठे हुए भी सभी बड़े अच्छे विशेषज्ञ भी हैं, बहुत अच्छे हैं एक मुझे छोड़कर। तो मैं सवाल तो क्या करूँगी, मैं कुछ बात करूँ, सवाल भी मेरा है। अभी इसलिए सवाल है कि अभी पिछले साल 31 दिसंबर को मैं मुंबई जाकर आई थी, और वो वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे बुलाया था, और वहाँ मैं इसलिए गई थी कि लोक कलाओं में जो मंचीय लोक कलाएं हैं, उन लोक कलाओं में उन लोक कलाओं की एक क्षमता है कि भारतीय संस्कृति की पहचान बने। वो मुझे ये लगा कि शायद ये उनको प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोक कलाएं सभी संस्कृतियों में कुछ न कुछ परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन से जिंदा है। वो चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, किसी भी जाति सवर्ण जाति या कोई भी हों, हम उनसे परे नहीं हैं, आज भी है। और आज तो मैं खड़ी हो जाऊँ शायद, तो आज तो और भी अधिक जो है ये लोक कलाएं हमारे अंदर नया रूप धारण किए हुए सड़कती हैं। आप कहेंगे कि कैसे, वो ये कि पहले तो आप लोगों को महिला पात्र की इतनी परेशानी होती थी, और आज महिलाएं शादी ब्याहों में सड़कों पर नाच रही। तो मैं ये आधुनिक लोक कलाओं का वो रूप बताती हूँ कि ये नृत्य करना अब महिलाओं के लिए, या डांस करना या नाटक में महिलाओं के लिए कुछ भी असामान्य नहीं है। और ये क्यों नहीं कहा जाए कि एक महिला भी उसी तरह का पुरुष पात्र करे, ये भी बहुत जरूरी है और कर सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, कर सकती है। मैं यहाँ एक बात और कहूंगी जो मुझे बहुत चुभी थी कि कला के क्षेत्र कविता में किसी महिला के गीतों का गीतों की पुस्तक का विमोचन हुआ, उसमें मंच पर से किसी ने कह दिया, मंच पर बोलने वाले ने खुद ही भूमिका लिखी भी थी, और फिर ये कहा ठीक है स्त्री सुलभ है। मुझे ये बात बहुत चुभी थी कि स्त्री सुलभ होना क्या है, क्या है? सही बात। और क्या माता या बहन से आप जुदा हैं? आपका अस्तित्व किससे है? मैंने ये सवाल किया था एक आर्टिकल के द्वारा, मैंने सीधा उनसे तो नहीं कहा, क्योंकि अगर मुझे कहा होता तो मैं सीधा उनको कहती। तो ये मैंने आर्टिकल के द्वारा इस बात को पूरा आर्टिकल लिखा। इसलिए दूसरा, मैं जो दिल्ली नाट्य वालों ने बुलाया था, तो वहाँ मैं मुंबई गई थी, तो मैंने एक बात कही थी जो आपसे भी समाधान चाहती हूँ, क्या ये बात मैंने सही कही थी? वो ये कही थी कि सभी लोक कलाओं में, चाहे वो विजुअल हो चाहे परफॉर्मिंग हो, सभी में जो लोक कलाएं हैं, लोक नाट्य है, लोक गीत है, लोक मंच की कलाएं हैं या लोक चित्रकला है, इन सभी में एक बात है, वो ये बात है कि ये जो प्रस्तुत करते हैं, ये कलाकार जो प्रस्तुत करते हैं, जो असली में है, वो आज तो बहुत बिगड़ चुका है बाजार मिल जाने से, बाकी जो असली है उसमें एक प्रकार का मानव जीवन का बचपन, मानव जीवन का बचपन झलकता है, जिस प्रकार से चाइल्ड आर्ट है। चाइल्ड आर्ट किसी भी उससे स्वतः अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार लोक नाट्य में लोक कलाओं में ये अभिव्यक्ति स्वतः सहज होती रही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बताया जा रहा है। एक ये मैंने बात कही। और जहाँ तक मंच वाली और ये जो बात है, एज ए आर्टिस्ट मैंने यूनिवर्सिटी में जो काम किया कला के प्रोफेसर के रूप में, तो वहाँ पर कई
प्रोग्राम हुआ करते थे, अब तो यूनिवर्सिटी ऐसा खर्चा नहीं करती है। अब यूनिवर्सिटी ऐसा कोई खर्चा नहीं करती है। हम लोग महारानीज कॉलेज में बेसमेंट होने से वहाँ नाटक किया करते थे, वहाँ पर क्या नाम उसका हर साल संस्कृत के भी करते थे और लोग, और आपको याद होगा भानु भारती जी के समय में दो नाटक हुए थे जिसका मंच का काम मैंने किया था, मृच्छकटिकम और एक था आषाढ़ का एक दिन, तो दोनों में मंच का काम मैंने किया था और वो भी दो दिन पहले ही मैं अपनी एग्जीबिशन करके आई थी और जल्दी जल्दी किया था। और जो मृच्छकटिकम है, उस मृच्छकटिकम में बैलगाड़ियां मंच पर चलाई थी, वो बैलगाड़ियां आपको बैलगाड़ियां लगेंगी लेकिन वो बैलगाड़ी नहीं थी, चार और चार आठ लड़कियां थी, आठ लड़कियां और इनके खून के कागज लगा दिए, पहियों के कागज के बांस चढ़ा दिए, ऊपर बांस के वो बना दिए और चेहरे के बैल के मास्क बना दिए और उसकी इतनी प्रशंसा हुई कि तीन घंटे के नाटक में बैलगाड़ियां आकर्षित करती रही और उसके बाद और वर्षों तक उसका चित्र यहाँ लगा रहा नाट्य विभाग में। आज तक इसकी कोई कमी नहीं जानता, मैं बता दी, आज तक इसकी कमी किसी ने नहीं बताई। उसका एक कान बैल का लगना बाकी रह गया था, जितनी देर नाटक चलता रहा उतनी देर मेरा दिल धड़कता रहा और वो नाटक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह से वो काम हमने। वीर बाला जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि अब जो है लोक का स्वरूप बदल गया, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ विद्यार्थी होने के नाते, जितना लोक साहित्य को पढ़ा है जाना है करीब से, लोग उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करता है जो अपने आसपास होता है और उसे स्वीकार भी करते हैं लोग, तो ये लोक नाट्य की एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी विशेषता है और उसको स्वीकार करते हैं। आपकी बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि अब लड़कियां हर क्षेत्र में हैं, तो हम तो पहले से ही प्रणाम करते हैं इस देश में, प्रारंभ से ही देश में अपने यहाँ तो महिलाओं को पूजा जाता रहा है, बीच में ही थोड़ा सा एक दमनात्मक रवैया शुरू हो गया जिसका खमियाजा अब तक भुगत रहे, पर कोई बात नहीं, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं है और लोक नाट्य अब शिथिल हो गए, उसका प्रमुख कारण भी यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोक नाट्य में समाज की बुराइयों को, समाज में जो कुरूतियाँ हैं, जो गलत बातें हैं, उन पर अच्छा प्रहार करने का एक माध्यम है लोक नाट्य। आप देखिए, आपके यहाँ तो गौरी, आपके यहाँ आप तो बांसवाड़ा से आती है जी, मैं सब जानता हूँ, गौरी कितना अच्छा है और वो आदिवासी जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं कैसे कैसे स्वांग भर के आते हैं और उसके पीछे शिव और पार्वती का एक मूल मंत्र है और वही सब कुछ चल रहा है, रायबूरी आ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, ये सब चीज़ें चलती हैं। एक गीनड़ में मैंने देखा हास परिहास, सरकार पर कितना बड़ा प्रहार था, वो किसान है वो नहीं जानते, ऊँट के ऊपर बैठा है, एक को बीड़नी बना लिया अपने पीछे, प्रेग्नेंट है, पेट मोटा है और जोर जोर से चिल्लाता जा रहा है, अरे होली को टाइम छे, सरकारी अस्पताल की तो छुट्टी हो गई, डॉक्टर गांव भाग, जयपुर भाग गो, अब मैं इन्हें बीड़नी ने लेर कोड़े जाऊँ। ये कितनी बड़ी समस्या है गाँव की, जो प्रसव होना है वो तो समय से होना है, तो ये लोक नाट्यों में ये सुविधाएं हैं और ये होता रहेगा, चाहे युग बदलता रहे, लोक नाट्यों की आत्मा नहीं मरती, जो अपने आसपास है उसको ग्रहण करेगा और वो चलता रहेगा। शुक्रिया सर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक बात कह देती हूँ, जो शुरू से लेकर अब तक रंगम जय रंगम और रंगमंच और रंगकर्मी और रंग का काम तो हम करते हैं और मैं ये बात कहना अवश्य चाहती हूँ, मैंने उसकी पूरी एस्थेटिक्स की किताब लिखी, उसमें रंगमंच को परिभाषित किया है जो अभी कहने का विषय नहीं है, लेकिन रंगमंच, उसको रंगमंच क्यों कहा जाता है इस पे विचार करने की जरूरत है और आप कहेंगे तो मैं घंटे पर तक भाषण करूंगा। आप तो बजरी का काम करती हो, आदमी बजरी में ही रोता है, इसीलिए मैं कहती हूँ बजरी में रंग लाती है, यानी रंग 30 साल पहले, रंजन मनोरंजन। 30 साल पहले मैंने आपकी एक विजिटर बुक में लिखा था कि माटी की तूली और माटी के हाथ, समझी ना माटी तुम माटी की बात,
30 साल पहले मैंने आपकी डायरी में लिखा था। तो आप तो स्वयं सृष्टि की रचयिता हो, ऐसे क्यों कहते हैं? मुझे लगता है सर ये हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता है। अगर विरोधी नहीं हूँ, मैं रंग के बारे में परिभाषा करना चाहती थी। आप विरोधी हो, आप विरोधी नहीं हो। कोई कोई कला किसी कला की विरोधी नहीं हो सकती हमको लगता है। और अगर आप ऐसे कोई अगर सवाल करना चाहें तो और कोई तो शुक्रिया दिलीप जी, ईश्वर जी और नरेंद्र जी इतना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस सत्र में हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। शुक्रिया।